आज की जो हमारी रिएक्शन है उसका नाम है फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया एफसीआर रिएक्शन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये जो केमिकल रिएक्शन है यह बेंजीन की इलेक्ट्रॉन इसने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्या है ये? यह बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिसको हम शॉर्ट में एस ई रिएक्शन भी कहते हैं, जिसका अर्थ क्या है? ई फॉर इलेक्ट्रोफिलिक, एस फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आप ध्यान रखेंगे कि ये जो केमिकल रिएक्शन होती है यह एरोमेटिक यौगिकों का प्रमुख अभिलाक्षणिक गुण है। और ये जो रिएक्शन है दो प्रकार की है, और यहां सबसे पहले हम बात करेंगे एल्किली करण प्रकार की जो रिएक्शन है एफसीआर, उसके बारे में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एल्काइलेशन। अब होगा क्या कि इस प्रकार की जो केमिकल रिएक्शन है इसमें हम बेंजीन की क्रिया कराते हैं, तो यहां कंपाउंड आपने लिया कौन सा? ये तो हो गया यहां पर बेंजीन। और बेंजीन की आप यहां पे क्रिया कराओगे, मान लिया मैंने यहां पर RCl ले लिया। RCl क्या होता है? RCl होता है एल्किल क्लोराइड, यानी बेंजीन की रिएक्शन आप एल्किल क्लोराइड के साथ कराओगे, और ये रिएक्शन आप यहां कराओगे एनहाइड्रस यानी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, इसकी प्रजेंस में। तो होगा क्या, आपको ध्यान है कि बेंजीन की संरचना में प्रत्येक कार्बन के पास एक H होता है, मान लिया इसका तो ये H और इसका ये Cl, यहां निकालेगा क्या HCl निकालेगा, और जहां से H गया है वहां पर आप R को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर आपने यहां लगा दिया R, और जो ये आपको मिला है इसको हम नाम देते हैं एल्किल बेंजीन कहते हैं। इस अभिक्रिया में आप ध्यान रखेंगे क्योंकि H का रिप्लेसमेंट हुआ है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है एल्किल ग्रुप के द्वारा, तो ये जो रिएक्शन होगी ये कौन सी कहलाएगी? एल्काइलेशन टाइप की FCR रिएक्शन कहलाएगी। अब यहां ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो आपने लिया है निर्जल एनहाइड्रस AlCl3, इसका काम क्या है, इसका रोल क्या है? तो जो ये यहां पर निर्जल AlCl3 है यह काम करता है कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक के रूप में, क्योंकि जो AlCl3 है यह है क्या, यह एक लोइस एसिड है, लोइस अम्ल है। क्यों है? क्योंकि इसमें यहां पर आपको ध्यान है AlCl3 में तीन बॉन्ड प्रेजेंट है, तीन बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहां पर आप ध्यान रखोगे कि इसके आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो कितनी होगी? 6 होगी, यानी इसका यहां पर ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसका यहां पे ऑक्टेट यानी अष्टक कंप्लीट नहीं है, अतः इसको पूर्ण करने के लिए इसको दो इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तभी इसका ऑक्टेट पूर्ण होगा। तो इसीलिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, इसलिए ये AlCl3 क्या है, एक लुईस अम्ल है। तो करेगा क्या, क्योंकि आप जानते हैं Cl के पास क्या होते हैं, Cl के पास होते हैं तीन लोन पेयर, तो होगा क्या कि इसको पूरा करने के लिए अपने ऑक्टेट को ये अटैक करेगा इसके पास, जैसे ही यहां पर ये अटैक करेगा ये जनरेट करेगा किसको, R प्लस को, और साथ में ये जनरेट करेगा AlCl4 माइनस को। यहां पर जो ये R प्लस बना है ये होता क्या है, ये यहां पे होगा कार्बो कैटायन, और जो ये कार्बो कैटायन यहां बनेगा
ये यहाँ पे काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ये अटैक करेगा बेंजीन पर, और यहाँ जो रिएक्शन देगा ये देगा SE रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सॉल्यूशन रिएक्शन देगा। और जब यहाँ पे R यहाँ आके जुड़ेगा तो ये बताओ यहाँ पे बनेगा क्या, ये यहाँ पर देगा उत्पाद के रूप में एल्किल बेंजीन। इसीलिए ये जो रिएक्शन होती है यह एल्काइलेशन यानी एल्किलीकरण प्रकार की अभिक्रिया है। बिल्कुल सिमिलर जो दूसरे प्रकार की यहाँ जो रिएक्शन होती है वो होती है एसिलीकरण प्रकार की, जो FCR रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं एसाइलेशन। अब यहाँ पर हम इसके बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये एसाइलेशन जो टाइप की जो ये FCR रिएक्शन है इसमें होगा क्या, इसके लिए हम यहाँ पर जो ये बेंजीन है ये आपने यहाँ ले लिया, लिखा मैंने यहाँ पर ये बेंजीन, इस बेंजीन के साथ बेंजीन की क्रिया आप यहाँ कराओगे RCOCl के साथ, जिसे हम कहते हैं क्या है, ये होता है एसाइल यानी एसिल क्लोराइड। और ये जो आप यहाँ रिएक्शन कराएंगे ये रिएक्शन भी आप यहाँ कराओगे एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में। अब होगा क्या कि यहाँ पर जो बेंजीन रिंग पर यहाँ पर जो H है उसका एक H इसका Cl, ये तो यहाँ पर निकालेगा क्या HCl निकाल देगा। अब आप एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जो ये ग्रुप होता है RCO ग्रुप, इस ग्रुप को इस समूह को हम कहते हैं एसिल ACYL एसिल ग्रुप एसिल समूह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एसिल निकल गया तो जो यहाँ पे ग्रुप बचा है एसिल ग्रुप ये आप यहाँ जोड़ दोगे और आपको यहाँ मिलेगा क्या, ये हो जाएगा बेंजीन रिंग, यहाँ जोड़ दिया आपने CO और यहाँ पे आ गया कौन R, और यहाँ आपको मिलेगा ACYL एसाइल बेंजीन आपको यहाँ पे मिलेगा। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पर भी जो AlCl3 क्या है एक लुइस अम्ल है, लुइस अम्ल है लेविस एसिड है, इसीलिए ये यहाँ पर आपको ध्यान है सील के पास क्या होते हैं यहाँ पर तीन होते हैं लोन पेयर, ये AlCl3 यहाँ पर अटैक करेगा अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो यहाँ पर जब ये अटैक करेगा तो ये यहाँ जनरेट करेगा RCO+ को और साथ में देगा यहाँ पर क्या AlCl4-, जो यहाँ पर ये बना है RCO+ इसको हम कहते क्या है, ये होता है एसाइल कार्बो कैटायन, और ये जो एसाइल कार्बो कैटायन है ये यहाँ पर काम करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब ये भी यहाँ पर अटैक करेगा और रिएक्शन देगा कौन सी SE रिएक्शन, जिसे हम कहते क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जब ये अटैक करेगा तो यहाँ जो आपको मिलेगा प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा एसिल बेंजीन, और क्योंकि यहाँ पर H रिप्लेस हो रहा है सब्स्टिट्यूट हो रहा है किसके द्वारा एसाइल ग्रुप के द्वारा, तो ये जो रिएक्शन होगी ये हो जाएगी यहाँ पर एसाइलेशन या एसिलीकरण प्रकार की फिर प्राप्त अभिक्रिया हो जाएगी। अब यहां पर हम जो ये एल्काइलेशन यानी एल्किलीकरण प्रकार की जो ये फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया है इसके बारे में यहाँ पे हम डिटेल से बात करेंगे। तो होगा क्या, इसके हम ले रहे हैं एग्जांपल, तो मैंने क्या किया सबसे पहले यहां पर आपने ले लिया एक कंपाउंड जिसका नाम है बेंजीन, और बेंजीन की आपने यहाँ पे क्रिया कराई CH3Cl के साथ जिसका नाम क्या है, इसका नाम होता है मेथिल क्लोराइड। और ये रिएक्शन आप यहाँ कराएंगे
किसकी उपस्थिति में एनहाइड्रस यानी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, क्योंकि आप जानते हैं बेंजीन में प्रत्येक कार्बन के पास क्या होता है, एक H, इसका तो ये H, इसका ये Cl, ये तो यहाँ पे रिएक्शन करके निष्कासित करेगा किसको, HCl को। यहां जो HCl निकला है उसके बाद इसका जो ये CH3 ग्रुप है जो आप देख रहे हैं, इस ग्रुप को आप यहां जोड़ देंगे रिंग पर और यहां क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा बेंजीन रिंग, और जहां से H गया है वहां आपने CH3 को जोड़ दिया और यहां पर आपको मिल गया मेथिल बेंजीन, और मेथिल बेंजीन को हम कहते हैं टोलुइन। ये हो गया पहला एग्जाम्पल एल्कलीकरण प्रकार की FCR रिएक्शन का। अब यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर मैंने वापस यहाँ पे क्या लिया, बेंजीन, ये लिया आपने यहाँ पर कंपाउंड जिसका नाम है बेंजीन। इस बेंजीन की आप यहाँ क्रिया कराएंगे CH3 CH2 Cl से, जिसका नाम है क्या, इसका नाम होता है एथिल क्लोराइड। इसकी क्रिया भी आप यहां पर करेंगे एनहाइड्रस यानी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। यहां पर भी क्या होगा कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन के पास क्या होता है, एक एच, इसका तो एच, इसका Cl, ये तो यहां रिएक्शन करके निकालेंगे क्या, HCl, और जहां से एच गया है वहां पर आप एल्किल ग्रुप को जोड़ देंगे और यहां जोड़ोगे आप तो ये हो जाएगा CH2CA3, और जो यहां पर ये कंपाउंड आपको मिलेगा इसका यहां पर नाम हो जाएगा एथिल बेंजीन। बिल्कुल सिमिलर। अब हम आगे एग्जांपल लें, देखो ये लिया मैंने यहां पर बेंजीन, और जो आपने यहां पर ये बेंजीन लिया है, इस बेंजीन की रिएक्शन आप यहां कराओगे CH3CH CH3Cl से, इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ, और यहां पर भी ये क्रिया हम कराएंगे AlCl3। कैसा रहोगे आप यहां पर, ये आप यहां रहोगे एनहाइड्रस AlCl3। अब होगा क्या, आपको ध्यान है बेंजीन में प्रत्येक कार्बन के पास क्या होता है, एक एच, इसका तो ये वाला एच, इसका ये Cl, ये तो यहां रिएक्शन करके निष्कासित करेंगे HCl को। अब यहां पर होगा क्या, जिस कार्बन से एच गया है यानी यहां पे आप इस वाले कार्बन को आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, देखो पहले आप लिखा इस प्रकार से CH3, ये CH है, ये CH3 है, आपको ध्यान है Cl इस कार्बन से लगा हुआ था, तो जहां से Cl गया है वहीं पर आपने क्या किया, बेंजीन रिंग को जोड़ दिया, और जो ये कंपाउंड आप देख रहे हैं इसका यहां पे नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और आप जानते हैं कि जो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन होती है इसी को हम नाम देते हैं क्यूमीन कहते हैं। क्या नाम इसका, क्यूमीन। तो ये मैंने यहां पर एग्जांपल लिखे हैं किसके, एल्कलीकरण प्रकार की FCR अभिक्रिया के। अब यहां पर एक एग्जांपल हम और ले रहे हैं, तो मैंने यहां पर ये लिया कंपाउंड, आपको नाम पता है इसका, इसका नाम है बेंजीन। अब यहां पर जो ये बेंजीन है इसकी आप यहां पर क्रिया कराओगे, ये कंपाउंड मैंने यहां ले लिया और यहां लगा दिया Cl, इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। क्या नाम इसका, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। और ये क्रिया भी आप यहां कराओगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, जो एक लुईस अम्ल है। अब होगा क्या यहां पर,
कि यहाँ पर भी आपको ध्यान है कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन के पास एक एच है, इसका तो ये एच यहाँ पर जो एच होगा वो इसका ये सी एल, ये यहाँ रिएक्शन करके ये निष्कासित करेंगे एच सी एल को। अब सी एल गया तो ये जो ये कार्बन है इसको आप यहाँ जोड़ेंगे, तो क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये बेंजीन रिंग बना दी। इस कार्बन को आपको जोड़ना है, ये कार्बन मैंने यहाँ जोड़ दिया, इस कार्बन से तीन लगे हुए सी ए थ्री, इस वाले कार्बन से भी मैंने यहाँ पर तीन सी ए थ्री ग्रुप लगा दिए, और जो कंपाउंड यहाँ पे आपको मिलेगा इसका नाम हो जाएगा टर्शरी ब्यूटिल बेंजीन, तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। ये कौन सी रिएक्शन है, ये फिडरक्राफ्ट रिएक्शन है एल्किलीकरण प्रकार की। अब हम किस रिएक्शन की बात करेंगे, मैकेनिज्म के बारे में, क्रियाविधि के बारे में। अब यहां पर हम बात करेंगे मैकेनिज्म के बारे में, क्रियाविधि के बारे में, और यहां पर एक बात याद रखेंगे कि जो यहां पे 2 डिग्री या 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड होते हैं, 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड वो क्रिया करते हैं निर्जल AlCl3 के साथ, और क्रिया करके जनरेट करते हैं किसको, उत्पन्न करेंगे कार्बोकैटायन को, और जो यहाँ कार्बोकैटायन उत्पन्न होंगे वो काम करते हैं अटैक करेंगे बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में। कब, जब 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रिया AlCl3 के साथ कराओगे तो जो कार्बोकैटायन बनेंगे जनरेट होंगे वो काम करेंगे इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में। लेकिन जब आप यहाँ पर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड को जब आप लेंगे, किसको लेंगे आप, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड को, तो वो क्या करेगा, वो AlCl3 के साथ क्रिया करेगा, क्योंकि आप जानते हैं RCl लेंगे आप, AlCl3 लुईस अम्ल है, वेकेंट ऑर्बिटल्स पे प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो Cl पे आएगा प्लस चार्ज, Al पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और क्या मिलेगा आपको, एल्किल हैलाइड एल्यूमिनियम क्लोराइड कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा जो यहाँ पर काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब जो हमने लास्ट रिएक्शन लिखी थी कौन सी, जिसमें हमने बेंजीन पर क्रिया कराई थी तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, और आपको मिला था तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन, उसकी जो मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है, वो हम यहाँ पर अब लिख रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर होगा क्या, कि जो सबसे पहला जो स्टेप है उसमें आप यहाँ लेंगे CH3 और ये हो गया Cl, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, इसकी क्रिया होगी AlCl3 के साथ, और जब आप यहाँ रिएक्शन कराओगे तो ये देखिए यहाँ पर रिएक्शन होगी कैसी, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, Cl, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे Cl के ऊपर, तो जो ये कार्बन है इस पे आएगा प्लस चार्ज, और क्या मिलेगा आपको यहाँ पर CH3 इस पे आ गया यहाँ पर प्लस चार्ज। अब यहाँ आ गया आप Cl माइनस के रूप में, ये जाएगा इसके पास तो ये यहाँ पर उत्पन्न करेगा AlCl4 माइनस को, और जो यहाँ पर बना है इसका नाम है तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन जो इस अभिक्रिया में यहां पर काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह। अब होगा क्या कि जो यहां पर ये मिला है इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक करेगा बेंजीन पर, तो देखिए आप यहां पर ये आपने यहां ले लिया क्या, बेंजीन। अब आप जानते हैं पीछे आपको मिला क्या था, वहां पर एक ही कार्बन से तीन तो लगे हुए थे CH3, तो मैंने कर दिया होल थ्राइज,
किस कावल पे कौन सा चार्ज था प्लस चार्ज, ये यहाँ पे किसके रूप में काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अब यहां देखिए कि जो यहां रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करोगे आप यहां पर, तो यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा माइनस, जब माइनस चार्ज आएगा तो यहां पीछे कौन सा चार्ज आ जाएगा प्लस, और क्या मिलेगा आपको यहां पर, ये तो हो गया इस तरह से। आपको ध्यान है यहां पर एक एच प्रेजेंट होता है पहले से ही यहां पर, क्योंकि माइनस चार्ज आ चुका है। अब ये अटैक करेगा यहां पर, तो होगा क्या इस वाले कार्बन से, आप इस कार्बन को जोड़ दोगे और इससे लगे हुए क्या है, तीन लगे हुए सी ए थ्री इलेक्ट्रॉन आपने शिफ्ट यहां पे किए हैं, तो यहां कौन सा चार्ज आ गया प्लस चार्ज, और बाकी स्ट्रक्चर यहां रहेगी बिल्कुल सेम। और जो यहां पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो यहां पर आपको मिली है, इसको हम कहते हैं एरिनियम आयन, यानी ऐसा एरोमेटिक सिस्टम, एरोमेटिक तंत्र जिसमें प्लस चार्ज प्रेजेंट होता है वह एरिनियम आयन कहलाता है। अब जो यहां पे बना हुआ एरिनियम आयन है, इसमें होगा रेजोनेंस, अनुनाद होगा, कैसे होगा वो देखिए, मैंने यहां पर लगा दिए डबल हेडेड एरो। अब यहां पे क्या हो गया, अगली स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये हो जाएगी रिंग इस प्रकार से, यहां पर आप देखेंगे लगा हुआ क्या है, एच है, ये कार्बन है, ये सी ए थ्री का होल थ्राइज है। अब क्या होगा, इस बॉन्ड को आप शिफ्ट करोगे यहां पर, तो यहां पर एक बॉन्ड और आ गया एरो के पीछे, यहां पर डेफिशिएंसी होगी कमी, यहां पे आ गया प्लस चार्ज, यहां कोई चेंज हुआ ही नहीं। अगली स्ट्रक्चर क्या बनेगी वो देखिए, लगा दिया मैंने यहां पे डबल हेडेड एरो। अब आप देखेंगे यहां पर ये रिंग मैंने यहां पर बना ली, ऊपर का पोर्शन क्या है, यहां लगा हुआ है एच, यहां लगा हुआ है कार्बन, और ये है सी ए थ्री का होल थ्राइज, और ये बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट है। अब क्या करोगे, इस बॉन्ड को आप शिफ्ट करोगे यहां पर, तो यहां पर एक बॉन्ड और आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। ये जो यहां स्ट्रक्चर आप देख रहे हो तीनों के तीनों, जो मैंने यहां लिखी है ये क्या है, यह एरिनियम आयन का स्थायीकरण अनुनाद के द्वारा, तो हम कहते हैं यहां पर स्टेबलाइजेशन ऑफ एरिनियम आयन बाय रेजोनेंस। अनुनाद के द्वारा जो ये एरिनियम आयन है उसका स्थायीकरण। अब जो यहां पे तीनों संरचनाएं मिली हैं, इन तीनों संरचनाओं का आप यहां बनाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, अनुनादी संकर। तो देखिए आप तीनों में कॉमन क्या क्या है, यहां देखोगे आप ये तीनों में ये रिंग कॉमन है, ऊपर क्या लगा हुआ है यहां पर, ये एच, और यहां कार्बन, और यहां लगे हुए क्या है, तीन लगे हुए हैं सी ए थ्री। अब आप देखोगे प्लस चार्ज पहले यहां पर आया, फिर यहां पर आया, फिर यहां पर आया, प्लस चार्ज यहां से लेके कहां तक घुमा, यहां तक, और बीच में दिया आपने प्लस चार्ज, और ये संरचना जो आप देख रहे हो ये हो जाएगा यहां पे अनुनादी संकर, जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। अब होगा क्या, यहां पर जो ये संरचनाएं आपको मिली हैं उनके आगे आप यहां देखोगे कि जो जो पहला स्टेप आप देख रहे थे ये वाला, इसका जो ये पोर्स ये भाग है AlCl4, ये यहां पर वापस आ जाएगा AlCl4 माइनस। और जो यहां पे अंतिम संरचना है इसमें होगा क्या कि ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, जब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो आप देखेंगे यहां पे मिलेगा क्या आपको, ये हो जाएगा इस प्रकार से रिंग, यहां पर ये बॉन्ड लगा हुआ है पहले से, ये लगा हुआ है पहले से, ये बॉन्ड यहां पर आ गया, यहां लगा हुआ कार्बन, और कार्बन से लगे हुए तीन लगे हुए सी ए थ्री, इसका नाम क्या हो गया, टर्शियरी ब्यूटेल
बेंजीन, ये आपको यहां पर मिल गया तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन। और ये जो H आप देख रहे हैं ये यहां से निकलेगा H प्लस के रूप में, वो जाएगा इसके पास तो उसके साथ क्रिया करके ये HCl और ये वापस हो जाएगा एज इट इज AlCl3 को निष्कासित करेगा जिसने शुरुआत की थी, ये आपको मिल गया वापस। तो यानी यहां पर जो AlCl3 है ये यहां पर काम कर रहा है उत्प्रेरक की भांति। इस प्रकार से ये रिएक्शन है यहां पर एल्कलीकरण यानी एल्काइलेशन प्रकार की FCR रिएक्शन है। धन्यवाद।